हेलो हेलो प्लीज बी सीटेड फास्ट ऑन द लेफ्ट साइड, जल्दी बी सीटेड फास्ट. अतुल अथर्व, ऑन द लेफ्ट साइड, बी सीटेड फास्ट, जल्दी. आई डोंट वॉन्ट एनी वन टॉकिंग नाउ, जल्दी. Online students, please confirm, am I audible and visible to you? Great. स्क्रीन चल रहा है कि नहीं चल रहा, चेक कर. ठीक है, क्या कर रहे हो? सारे एसी ऑन कर देना. 23-24. अतुल किधर है? नीचे. ऑन द लेफ्ट साइड, प्लीज बी सीटेड फास्ट, जल्दी. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. I said good morning everyone. Chalo, now no one will talk. SA 200 हमने कल शुरू किया था. कल आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया था, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट एज पर SA 220. नोटबुक निकालिए, जरा दो मिनट में थोड़ा रिवाइज करते हैं. Then we will proceed with our discussion. देखो, 220 में the name of the essay says quality control for an audit. मतलब अगर आप कोई भी एक audit engagement कर रहे हैं तो सर उसमें quality कैसे ensure किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने कुछ responsibilities दी है इंगेजमेंट पार्टनर को. किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? इंगेजमेंट पार्टनर. सर हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है अंडर SA 220 वो सिंपल है. हम चाहते हैं हमारा जो ऑडिट एंगेजमेंट है शुड बी डन, दैट मीन्स आवर ऑडिट शुड बी डन इन कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल एसेस. एंड हमारे लिए एज अ ऑडिटर जो भी एप्लीकेबल लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो हम उन्हें कंप्लाई कर पाए. बेसिकली आप अज्यूम कीजिए आप एक फर्म के पार्टनर हो, आपके पास में बहुत सारे ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं. अब हर एंगेजमेंट में चाहोगे हमारे टीम मेंबर्स ऑडिट करते वक्त एसेस को कंप्लाई करें, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें कंप्लाई करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका जो ओपिनियन होता है उनके रिपोर्ट में इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सरकमस्टेंसेस. मतलब उनका ऑडिट रिपोर्ट गलत नहीं होना चाहिए, ओपिनियन इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए. यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है. एक मिनट स्पेंड
अटेंड करो, 220 का ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में जाइए अंडर एसे 220, कल आपको पॉइंट नंबर वन में ऑब्जेक्टिव लिखवाया था, फटाफट से रिवाइज कीजिए ऑब्जेक्टिव को, फिर हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। क्या आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया? सर इस ऐसे में दो ही चीजें हैं, एक तो आपका 220 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है सर? एंगेजमेंट पार्टनर को। कल का हमारा अगर आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो हम एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, इफ यू कैन रिकॉल, इट वॉज ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जिसके लिए आपने एक फर्म को रीच आउट किया, फर्म के बिहाफ पे एक एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा एंड बाकी सब लोग क्या कहलाएंगे? अदर टीम मेंबर्स, एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज एंगेजमेंट टीम। इज दैट क्लियर टू यू? सर इसमें एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, कल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखना शुरू किया। पहला काम है सर, फर्म के बिहाफ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? एंगेजमेंट पार्टनर का। उन्होंने इंश्योर करना चाहिए कि ऑडिट बराबर से एग्जीक्यूट हो रहा है, रिपोर्ट बराबर से दिया जा रहा है, सही एंगेजमेंट टीम का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग नोट्स में लिखना शुरू किया था। नोट नंबर वन था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नोट नंबर वन क्या था? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट मीन्स एंगेजमेंट पार्टनर ने अक्नॉलेज करना चाहिए कि वही लीडर रहने वाले हैं जो फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर दिस ऑडिट एंगेजमेंट। क्या हमने आपको ये नोट नंबर वन में पढ़ाया? यस। एंड नोट नंबर वन में आपने एक पॉइंट लिखा था, ये अपने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे फर्म के जो भी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज है हम लोग उन्हें फॉलो करेंगे, हमारे फर्म के अंदर जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं इनके लिए अगला पॉइंट था दे विल कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये कौन इंश्योर करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। तो एक तरीके से वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो अगले नोट्स के अंदर कनेक्ट होते जा रही है। नोट नंबर वन में बस इंट्रोडक्शन था दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एज अ लीडर, नाउ व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नोट नंबर टू में आपको लिखवा के दिया कि सर हमारे सारे टीम मेंबर्स क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए एंड एथिकल होने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी हमें हिंट आता है कि हमारा कोई भी टीम मेंबर क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमने इमीडिएटली सही एक्शन लेने का ट्राई करना चाहिए। मे बी उस टीम मेंबर को अपने टीम से निकालना चाहिए जो ऑडिट कर रहा होगा एक स्पेसिफिक कंपनी का, मतलब सर लिस्टेड कंपनी होगा उसके लिए आपने एक टीम को हायर किया होगा, इस टीम में अगर कोई भी इंसान आपको लगता है इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको आपसे टीम से निकाल करके नए टीम मेंबर को ऐड करना चाहिए। इस तरीके का डिसीजन कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर लेगा। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है। इज नोट नंबर वन एंड टू क्लियर टू यू? कैन वी गो नेक्स्ट? चलो राइट डाउन नोट नंबर थ्री। कल दो ही नोट हुए थे ना हमारे, राइट डाउन नोट नंबर थ्री, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स। नोट नंबर थ्री ब्रैकेट्स में हेडिंग लिखिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स। ये कॉन्सेप्ट ना एसए 300 के अंदर भी था, बट आपको मैं वापस एक तरीके से अज्यूम कीजिए नए तरीके से बता देता हूं पूरा का पूरा। 300 में जब रिवीजन करवाएंगे वापस से रिलेट करवा देंगे। नोट नंबर थ्री इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सुनिएगा, एकदम सिंपल सा चीज है कि सर एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिया है, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिया है। कोई भी नया क्लाइंट है सर, उस केस में मेरे पास में एक एंगेजमेंट हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। क्या वर्ड आएगा? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और अगर सर ये मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो सर मैंने इस साल कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द वर्ड विल बी कॉल्ड एज
रिकरिंग ऑडिट, मतलब सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तब होता है जब मैं लास्ट ईयर ऑडिटर नहीं था, मैं इस साल से पहली बार आपका ऑडिट करने वाला हूं। रिकरिंग ऑडिट मतलब मैं भी प्रीवियस ईयर का ऑडिट कर चुका हूं और मैं इस साल भी क्या करने वाला हूं, कंटिन्यू करने वाला हूं। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, शुड वी एक्सेप्ट दिस न्यू क्लाइंट और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। एंड इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट द क्वेश्चन इज शुड वी कंटिन्यू और नॉट। इसीलिए उन्होंने एक एनालिसिस बना दिया जिसका नाम है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। एक्चुअली दोनों अलग अलग है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हुआ तो एक्सेप्टेंस आएगा, रिकरिंग ऑडिट हुआ तो कंटिन्यूएंस आएगा। ये एनालिसिस नॉर्मली एंगेजमेंट पार्टनर ने परफॉर्म करवाना चाहिए। मतलब सर कैन वी से ये एनालिसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर का है, दे शुड परफॉर्म दिस बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट और बिफोर डिसाइडिंग शुड वी कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट और नॉट। सर ये एनालिसिस का फायदा क्या होगा, जस्ट इमेजिन किसी कंपनी के मैनेजमेंट में अगर फ्रॉडुलेंट सिचुएशन है, लेट्स से कंपनी का मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनी अदर कंपनी जहां पर फ्रॉड के लिए कंपनी के अगेंस्ट एलिगेशन चल रहे होंगे, कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, हम ऐसे ऑडिट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब डोंट यू थिंक ये एक स्ट्रेटजी है जहां पर हम पहले ही सोच रहे हैं कि क्लाइंट कैसा है, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये सोचे समझे बिना हम कोई नया एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब इनडायरेक्टली हम ऑडिट में क्वालिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब हम अननेसेसरीली कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी प्रॉब्लम क्लाइंट में हो सकता है, या प्रॉब्लम क्लाइंट में नहीं होगा, प्रॉब्लम आपके एक्सपर्टीज में होगा। आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट नहीं किया होगा, आपने कभी एनबीएफसी का ऑडिट नहीं किया होगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस आप ऐसा एंगेजमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते हो। इस एनालिसिस को बोलते हैं ए एंड सी एनालिसिस। क्या ये ऑडिट क्वालिटी को कंट्रीब्यूट करता है? एब्सोल्युटली, रादर ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद में एंगेजमेंट टर्म्स अग्री होंगे एंड इसके बाद में प्लानिंग एग्जीक्यूशन वगैरह होगा। तो ये एनालिसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको दे दिया है, एंगेजमेंट पार्टनर को दे दिया है। अंडर नोट नंबर 3 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, एंगेजमेंट पार्टनर, अंडर नोट नंबर 3 राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, एंगेजमेंट पार्टनर should perform acceptance and continuance analysis, should perform acceptance and continuance analysis to obtain such information, acceptance and continuance analysis to obtain such information which will be necessary to decide whether to accept an initial audit engagement or to continue, whether to accept an initial audit engagement or to continue an existing, whether to continue an existing engagement with the client, whether to continue an existing engagement with the client। मतलब सिंपल है, आपको एक एनालिसिस करना है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे क्या मैंने नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर ये नया क्लाइंट है। और लेट्स से अगर ये नया क्लाइंट नहीं है, इसका हमने ऑलरेडी पहले भी ऑडिट किया है, तो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड शुड आई कंटिन्यू और नॉट। उन्होंने एक्चुअली दोनों को स्प्लिट करना चाहिए, बट इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। दोनों का सिचुएशन अलग अलग है, बट इन डिस्कशन टर्म्स दोनों साथ साथ में डिस्कस किए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या आएगा, ये तो आपका जो आपने पॉइंट नंबर 1 लिखा है वही एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहिए जिससे आप डिसाइड कर पाओगे नया क्लाइंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ऐसा क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे। राइट डाउन पॉइंट नंबर 2,
इंफॉर्मेशन मे इंक्लूड द फॉलोइंग, इंफॉर्मेशन मे इंक्लूड द फॉलोइंग. बुलेट पॉइंट नंबर वन, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट. इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट. बुलेट पॉइंट नंबर टू, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस. बुलेट पॉइंट नंबर थ्री, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस by engagement team members, by engagement team members. एक मिनट स्पेंड कीजिए, तीनों बुलेट पॉइंट को पढ़िए. ये तीनों के तीनों अप टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेंस के अराउंड है. रीड फर्स्ट थ्री बुलेट पॉइंट्स. आपको सही में रेगुलर बैच स्टूडेंट्स कुछ याद नहीं आया क्या? ये पढ़ाया हुआ है ऐसे 300 के अंदर. प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करके कॉन्सेप्ट था, जहां पर 220 का रेफरेंस भी दिया था और बोला था ये चीज आगे 220 के अंदर आने वाला है. इट्स जस्ट दैट ये ज्यादा स्पेसिफिकली 220 में पूछा जाता है, इसलिए वापस से लिखवा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है. चलो रिवाइज करो एक बार. सर, कोई भी नया क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले जो उनके प्रिंसिपल ओनर से टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनका ऑनेस्टी, उनका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, ये आपको पता करना पड़ेगा. चलो सर, मैनेजमेंट का रेपुटेशन बढ़िया है, कंपनी के ओनर्स के बारे में कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं है, तो सर क्या आपके पास में कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स है, क्या आपके पास में केपेबल टीम मेंबर्स है? हो सकता है कंपनी बहुत बढ़िया होगा, पर हो सकता है आपके पास में उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए कॉम्पिटेंट टीम ही नहीं होगी. तो शायद द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कंपनी, द प्रॉब्लम विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस. तो सर पहले आप मैनेजमेंट को इवेल्युएट करो, जिसका ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले हो, उनका मार्केट में रेपुटेशन कैसा है. इसके अलावा हम उनके लास्ट 5 साल के नंबर्स भी निकालते हैं, हम उनके अगेंस्ट में कोई एलिगेशन है क्या, ये भी पता करते हैं. मतलब कंपनी का पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है. क्या होता है? पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. इन्होंने तो बस एक स्टेटमेंट लिख दिया कि भाई प्रिंसिपल ओनर्स का इंटीग्रिटी चेक करना, बट इट्स अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ ऑल यू नो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, लास्ट 4-5 years ऑफ द कंपनी. ये होता है स्टेप नंबर वन. दूसरा चीज, चलो कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया, वहां प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है आपके पास में ही लोग अवेलेबल नहीं होंगे, आपके पास ही कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स नहीं होंगे. दिस कैन बी योर एनालिसिस नंबर टू. तो पॉइंट नंबर वन इन टू पढ़ के देखिए. नंबर वन आप देख रहे हैं इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे में आप देख रहे हैं क्या हमारे पास में कॉम्पिटेंट एंड केपेबल लोग है क्या, एंड क्या वो लोग अवेलेबल भी है क्या. सी, लोग होना एक चीज है. लेट्स से वी हैव अ डेडिकेटेड सीनियर मैनेजर जो इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करता है, बट क्या उनका खुद का अवेलेबिलिटी भी है क्या. पता चले एक पर्सन है बट वो टाइम डिवोट नहीं कर पाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हो सकता है. तो आपको पॉइंट नंबर टू में देखना पड़ेगा हमारे पास में ये ऑडिट करने के लिए सही लोग है या नहीं. इस पॉइंट नंबर वन एंड टू क्लियर टू यू? फिर सर वो सही लोग इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए ना यार. तो पॉइंट नंबर थ्री आपका रिपीटेशन है. नोट नंबर टू में पढ़ के आए हो आप, नोट नंबर टू में क्या पढ़ के आए हो? कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट. वही चीज नोट नंबर थ्री में वापस सोच रहे हो कि भाई हमारे पास जो भी लोग हैं क्या वो टेंटेटिवली इंडिपेंडेंट एंड एथिकल है क्या. अगर हां तो ही हमने ये क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बारे में सोचना चाहिए. कैन आई से ये एक्सेप्टेंस एनालिसिस हो गया? पहले तीनों पॉइंट थोड़े समझ में आए क्या? पॉइंट नंबर फोर जो आप लिखोगे, इट इज अराउंड कंटिन्यूएंस. राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर फोर, सिग्निफिकेंट मैटर्स significant matters
दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट. ये थोड़ा कंटिन्यूअस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने पहले जब भी ऑडिट किया होगा या इस साल भी आपको जब लग रहा है आप ऑडिट करने के बारे में सोचेंगे, क्या कोई ऐसे मैटर्स लगते हैं क्या जिसकी वजह से हम थोड़ा डाउट के अंदर है कि हमने ऑडिट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दिस पॉइंट नंबर 4 इज अराउंड कंटिन्यूएंस. ऑनेस्टली इट्स योर प्रीवियस एक्सपीरियंस जो ज्यादा रेलिवेंट रहेगा. करंट वर्ड यहां पर नहीं आना चाहिए बट सजेस्टेड आंसर के अंदर एंड थियोरिटिकली स्टैंडर्ड में दोनों चीजें लिखी है. जनरली हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है फ्यूचर में हमने सेम क्लाइंट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. डू यू एक्चुअली थिंक कि हम ऐसा सोचते होंगे कि क्लाइंट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको लगता है पार्टनर ऐसा सोचता होगा, एंगेजमेंट पार्टनर? आर यू श्योर? ऑब्वियसली, बिकॉज रिमेंबर आफ्टर सर्टेन लेवल आपके पास में अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम बट द रिस्क इज आप ऐसा ऑडिट रिपोर्ट साइन करते जाए जहां पे क्लाइंट के एंड पे या मैनेजमेंट के एंड पे अगर प्रॉब्लम हो सकता है. साइनिंग सच रिपोर्ट कैन क्रिएट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर क्रेडिबिलिटी. इसीलिए एज अ पार्टनर आपने हर बार हर साल कंटिन्यू करने से पहले सोचना चाहिए, शुड वी कंटिन्यू सच एन एंगेजमेंट और नॉट. मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस लगाया जाता है. किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब कुछ? Who is responsible for this? Engagement partner. Remember, जितने भी नोट्स आप लिख रहे हो वो सबके सब किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंगेजमेंट पार्टनर के. इज नोट नंबर 1, 2 and 3 क्लियर टू यू? कैन वी गो नेक्स्ट? चलो राइट डाउन नोट नंबर 4. नोट नंबर 4 एकदम टाइम पास है. ब्रैकेट्स में लिख दो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम डैश करके लिखिए. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. एक ही सेंटेंस आएगा इसमें. असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम डैश करके लिखिए. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू इंश्योर. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर टू इंश्योर दैट कॉम्पिटेंट एंड capable team members, competent and capable team members are assigned the audit engagement so that overall engagement, so that overall engagement can be performed in accordance with, so that overall engagement can be performed in accordance with professional standards, in accordance with professional standards and legal and regulatory requirements. Professional standards and legal and regulatory requirements. फिर से ऑब्जेक्टिव का सेम पॉइंट लिखा है, बस इस बार बोला है सही टीम मेंबर को काम आपने देना चाहिए. लिटरली वो जो ऑब्जेक्टिव है उसका लाइन ही हर जगह पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी है. बस हर जगह हेडिंग अलग है कि भाई ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी तुम्हारा क्या अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव. हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे एक ही लॉजिक है, हमारा जो 220 का कोर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए. दैट ऑडिट के दौरान वी शुड इंश्योर दैट वी शुड कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा रिपोर्ट बराबर होना चाहिए. पूरा सेंटेंस एकदम लॉजिकल लगेगा. जो हेडिंग है उसको ही बस एक सेंटेंस में डाल दिया और सेंटेंस तो एज अ ऑब्जेक्टिव कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया. रीड नोट नंबर 4 इफ यू आर कंफर्टेबल. विल गो नेक्स्ट. ठीक लग रहा है क्या?
नोट नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट. पहले ही बोल रहा हूं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. दिस इज वेयर आई बिलीव अ गुड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. अगर आप इस सारे नोट्स में से मेरे को पूछोगे, नोट नंबर 3 जो आज आपको लिखाया एएनसी एनालिसिस, वो इंपॉर्टेंट है. उधर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आया है, रिपीट हो सकता है कि भाई एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस के दौरान क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना होता है. दिस कैन बी वन क्वेश्चन. वो जो आपको इंफॉर्मेशन के अंदर 4 पॉइंट लिखाए थे वो आपका एक्सपेक्टेशन है आंसर के अंदर. दिस कैन बी वन क्वेश्चन. एंड द सेकंड वन जो आपको मैं अभी जस्ट डिस्कस करके लिखवाने जाऊंगा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फ्रॉम एसे 220. राइट डाउन नोट नंबर 5. द ब्रैकेट्स में हेडिंग लिखिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं, फिर आपको लिखवा के दे देंगे आंसर. डोंट वरी. चलिए सुनिए सर, ये देखो हेडिंग क्या बोलता है. एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर. ऑब्वियसली यार, मतलब ये पूरा ऑडिट ढंग से होना चाहिए. इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? पार्टनर का रहेगा ना यार, उसमें बस अभी गाइडेंस देगा. भाई सुनिए, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, एवरीवन आई वांट अटेंशन, एज अ एंगेजमेंट पार्टनर आपने इंश्योर करना चाहिए आप सही टीम मेंबर सेलेक्ट करते हो, फिर उन्हें सही डायरेक्शन देते हो. फिर उन्हें क्या देते हो? सही डायरेक्शन. सिर्फ सिलेक्शन करने से सफिशिएंट नहीं होगा, उन्हें सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, उनका काम रेगुलरली सुपरवाइज होना चाहिए, उनका काम रिव्यू होना चाहिए, उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है क्या, ये हमने चेक करना चाहिए. तो सर एंगेजमेंट पार्टनर शुड इंश्योर राइट टीम मेंबर्स आर सेलेक्टेड एंड असाइंड. ये तो हमने नोट नंबर 4 में पढ़ लिया. इसके आगे उन्हें सही डायरेक्शन देना, उनका काम सुपरवाइज करना, उनका काम रिव्यू करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना, इज दैट प्रॉपर नॉट? नॉट. बिकॉज याद करो, नो डॉक्यूमेंटेशन मींस नो वर्क डन. मतलब अगर आपने काम किया बट डॉक्यूमेंट नहीं किया, इट इज एज गुड एज आपने काम ही नहीं किया है. तो डॉक्यूमेंटेशन भी क्या होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए. एंड हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिले जहां पर आपको लगता है ये कुछ कंटेंशियस मैटर्स रहेंगे, मतलब जहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जहां पर लेट्स से डाउटफुल सिचुएशन हो सकता है, आपके पास शायद एक्सपर्टीज नहीं होगा. मतलब यू मे कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जहां पर आपको लगता है एक्सपर्ट को यूज करना चाहिए. किसको यूज करना चाहिए? एक्सपर्ट, या फिर अदर ऑडिटर का इस्तेमाल करना चाहिए. याद है क्या वर्ड? यूजिंग द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर. देयर कैन बी एक्सपर्ट का काम यूज करना. ये कंसल्टेंसी का जरूरत पड़ सकता है, बट ये डिसीजन कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर, कि कहां पर काम हम करेंगे, कहां पर हम किसी का हेल्प लेंगे. अब अगर हम एक्सपर्ट वगैरह को हायर करेंगे तो उनसे भी अग्रीमेंट करके काम करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की है. चलो सर, ये तो हमारा एग्जीक्यूशन हो गया. जब मेरा ये एग्जीक्यूशन चल रहा है तो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हमने लिस्टेड कंपनीज के केस में एक सेपरेट पार्टनर को भी अपॉइंट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. सो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज वी शुड हैव अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. इनका अपॉइंटमेंट बराबर से होना चाहिए, इन्होंने बराबर से रिव्यू करना चाहिए. मतलब एंगेजमेंट पार्टनर ने सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स इनके साथ में डिस्कस करने चाहिए, इन्हें बताना चाहिए इधर किधर सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है, किधर हम कंट्रोल टेस्टिंग पे रिलाई करने वाले हैं, कितना अमाउंट टेस्टिंग करने वाले हैं, किस इसको कंफर्मेशन लेटर भेजने वाले हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या ये बट सुने क्या आप लोगों ने? ये सब चीज डिस्कस करेगा कौन? एंगेजमेंट पार्टनर विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. एंड ये सब होने के बाद में क्या दोनों ने मिलकर के फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहिए? मतलब रिपोर्ट बनाएगा एंगेजमेंट पार्टनर, पर डिस्कस किसके साथ में करेगा? क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर के साथ में. और अगर दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस आ गया तो उन्हें रिजोल्व करना पड़ेगा क्या? कल बताया था कि नहीं बताया था? ये सब कुछ जो है किसका पार्ट है? एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस का पार्ट है. इसीलिए नोट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर टू यू? आई विल हेल्प यू राइट अ वेरी लॉजिकल आंसर. ये आप इंटर में क्वेश्चन का आंसर करो या फाइनल में आंसर करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. दिस इज अ गुड एरिया, यू विल हैव गुड 4 to 5 पॉइंट्स टू आंसर द क्वेश्चन अंडर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. Engagement partner has the responsibility. Engagement partner has the responsibility for direction. Has the responsibility for direction, comma, supervision
एंड रिव्यू सो दैट ऑडिट एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड, सो दैट ऑडिट एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद, सो दैट ऑडिट एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद डॉट 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 किया तो भी चलेगा क्या? सेम चीज है, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड कैन आई से वो ऑब्जेक्टिव रिपीट होने वाला है, बस इसमें नया वर्ड समझ रहे हैं ना, हमने सही डायरेक्शन देना चाहिए, उनका काम सुपरवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, ताकि ओवरऑल इंगेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा होगा, इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स होगा, इन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेग्यूलेशन होगा। इस पॉइंट पर क्लियर टू यू? I'm sure you are understanding dot 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 का मतलब किधर जाने वाला है। अरे वही ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा यार। Yes or no? Write down point number B. It is the responsibility of engagement partner. Point number B. It is the responsibility of engagement partner to review the audit documentation. To review the audit documentation before audit report is issued. To review audit documentation before audit report is issued. मतलब documentation को review करने का काम किसका है? Engagement. या जो जो लिख रहे हो हर चीज responsibility किसकी है? इंगेजमेंट पार्टनर है। ये सब कुछ अगर वो करेगा ना तो ही ऑडिट का क्वालिटी बढ़िया होगा, ध्यान रखना मेरा बात, अदरवाइज ऑडिट का क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बना दी? इंगेजमेंट। अच्छा एक बात बताओ, हमने ओपिनियन किसके ऊपर देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारे पास ओपिनियन के दो ही ऑप्शन है ना, या तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, या हम बोलेंगे दे आर नॉट फ्री। याद आया क्या? So can I say, if I conclude, financial statements are free from material misstatement. ये conclude करने के लिए क्या मेरे पास sufficient and appropriate audit evidence होना चाहिए? ये मैं check कैसे करूँगा? Documentation से पता चलेगा ना यार। My documentation should represent कि मैंने obtain किया है क्या sir? Sufficient and appropriate audit evidence and उसके basis में क्या किया है? Conclude किया है। Logical है कि नहीं है? हाँ या ना? Point number two के अंदर full stop करके sentence continue कीजिए। पॉइंट नंबर टू का सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल एक सेंटेंस को ऐड कर दीजिए। एंगेजमेंट पार्टनर शुड एंश्योर दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस शुड एंश्योर दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हैज बीन ऑब्टेन्ड to support sufficient and appropriate audit evidences has been obtained to support the conclusions reached and to support the conclusions reached and opinion issued in audit report. To support the conclusions reached and opinion issued in audit report. अब सोचो आपने audit report में modified opinion दिया है तो आपके documentation में पता चलना चाहिए ना कि modified क्यों दिया है। अगर आपको गलतियां मिलेगी तभी तो आप modified दोगे ना यार। So your documentation should show that there are material misstatements. If you are giving a clean opinion, तो documentation ने support करना चाहिए that there are no material misstatements. So whatever you conclude, whatever report you give, it should be supported by your audit documentation. ये कौन ensure करेगा? Engagement partner. Is responsibility A and B clear to you? Write down point number C. Engagement partner is also responsible. Engagement partner is also responsible for undertaking. Also responsible for undertaking appropriate consultation. Appropriate consultation on
undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters. Difficult or contentious matters. For example, he may consider use of auditor's expert. For example, he may consider use of auditor's expert in case of certain pending litigations. Use of auditor's expert in case of certain pending litigations. बढ़िया लॉजिकल लगता है क्या? कंटेंशियस मैटर्स मतलब वो मैटर्स होते हैं जहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जहां पे एक सिंपल कंक्लूजन ड्रॉ करना आसान नहीं होगा. आपको लगता है यहां पर सर डाउटफुल सिचुएशन है, मे बी आपके पास में रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज नहीं है, कैन यू गो एंड हायर फॉर एन एक्सपर्ट ऑल्सो? यस. मतलब ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है. क्या आपको तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया क्या? नोट नंबर 5 में फर्स्ट 3 पॉइंट्स को वापस से रिवाइज कीजिए. नंबर 4 और 5 का दुनिया एकदम अलग है. जो आपको मैंने कल पढ़ाया था वही वाला है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट आएगा. बट फर्स्ट 3 पॉइंट्स रिवाइज कीजिए. नोट नंबर 5. क्या रिवाइज करना है? नोट नंबर 5 के पहले 3 पॉइंट. क्या टाइम आ गया यार. आगे बढ़ू क्या? अगले जो 2 पॉइंट है, पॉइंट नंबर डी एंड ई, दे आर रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. दे आर रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अब अगर बहुत स्पेसिफिक, ऑनेस्टली ये मैंने इंटरमीडिएट में नहीं देखा है क्वेश्चन, कोई पहली बार आया तो बात अलग है. जनरली क्वेश्चन एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस पे आ सकता है. दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, वो रिपीट हो जाएगा. वो अगर आया तो आपको ऑब्वियसली 4-5 पॉइंट लिखने हैं. पहले 3 लिखवा के दिए हैं, फोर्थ 1 क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के अराउंड ही होगा. बट अगर बहुत स्पेसिफिकली पूछ ले कि भाई एक लिस्टेड कंपनी है उसमें क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है, उनके साथ में क्या डिस्कशन होता है, कैसे हम कंक्लूजन तक आते हैं, अगर कंक्लूजन में डिफरेंस हुआ तो क्या करेंगे. मतलब दैट विल बी अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन पॉइंट नंबर डी एंड ई जो हम लिखने वाले हैं. कैन वी गेट स्टार्टेड? राइट डाउन पॉइंट नंबर डी. इन केस ऑफ listed companies, in case of listed companies or certain other engagements or certain other engagements for which firm may determine, for which a firm may determine that a quality control review, for which firm may determine that a quality control review is required, that a quality control review is required, then for such engagements, then for such engagements, engagement partner should consider the following. Engagement partner should consider the following. सुनिए, लिस्टेड कंपनीज में ये अप्लाई होता ही है. उसके अलावा
किसी और एंगेजमेंट के लिए हमें अगर एज अ ऑडिट फर्म लगता है यहां पर रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, दिस मे बी अ गवर्नमेंट ऑडिट, इट इज नॉट मे बी अ लिस्टेड कंपनी, बट स्टिल हमें लगता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अलग से करवाना चाहिए, सीएजी वगैरह का डायरेक्शन हमको आ गया होगा, या सर हमने इंटरनली सोचा होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हैं, बट यार इसका जो पेरेंट कंपनी है ना वो बहुत बड़ा लिस्टेड कंपनी है यूएस के अंदर, तो सर उनको बहुत सारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम चाहते हैं ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड बेस आउट ऑफ इंडिया बट इसके ऑडिट में भी हम क्या करना चाहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना चाहते हैं, जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। जनरली ये अप्लाई किसके लिए होता है, लिस्टेड कंपनीज के लिए, बट क्या ये अदर एंगेजमेंट्स के लिए भी हमें इंपॉर्टेंट लग सकता है? हाँ, तो उस केस में एंगेजमेंट पार्टनर ने कुछ चीजें ख्याल में रखनी चाहिए। देखो रियलिटी में बोलता हूं, अगर हमें लगता है ना इधर रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है, तो कंपनी का जो TCWG होता है ऑडिट कमेटी, उनसे डिस्कशन होता है, एंड नॉर्मली ऑडिट कमेटी खुद ही रेकमेंड कर देगा कि भाई एक काम करो, हम मे बी लिस्टेड कंपनी नहीं रहेंगे बट एक लेट्स से बिगर पब्लिक कंपनी हो सकते हैं, हमें लगता है आपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट करना चाहिए, या तो तुम्हारे पास इंटरनली कोई सीनियर पार्टनर है उसको ऑनबोर्ड लेकर के आ जाओ, नहीं है तो एक्सटर्नली लेट्स लुक फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इंटरनल हो हमेशा जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड खुद बोलता है ये बस एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, रात उल्टा बोलता हूं, ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए एक टीम भी हो सकता है, अ टीम दैट विल परफॉर्म द रिव्यू, बट द टीम शुड बी हेडेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द टीम शुड बी हेडेड बाय अ, मतलब अल्टीमेटली ये जो मेन बंदा है ना वो कौन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सीओपी एंड अ गुड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि इस इंडस्ट्री में ऑडिट कैसे होता है, उसका बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के वो ऑडिट क्वालिटी को और बेहतर बनाने में आपको हेल्प कर पाएगा। तो सर जनरली वी अप्लाई दिस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट्स आर जनरली विद ईदर बिग फोर्स और अदर बिगर मिड साइज फर्म्स, बिकॉज दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, दे कैन एक्चुअली फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन केस ऑफ अ स्मॉलर फर्म यू विल हैव वेरी फ्यू पार्टनर्स, तो आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कैसे अपॉइंट करोगे? इज दैट क्लियर टू यू? तो सर क्या क्या इंश्योर किया जाएगा, राइट डाउन बुलेट पॉइंट। नंबर वन, एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर वन, डिटरमाइन दैट अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। Number one, determine that a quality control reviewer has been appointed. Determine that a quality control reviewer has been appointed. Bullet point number two, engagement partner should discuss. Bullet point number two, engagement partner should discuss all significant matters identified during the audit, should discuss all significant matters identified during the audit with the quality control reviewer, with the quality control reviewer. And number three, bullet point number three, engagement partner should not date. अरे डेट मतलब engagement partner should not put date on the auditor's report. Should not put date on the auditor's report until the completion of, ये कोई एज वेज का क्राइटेरिया नहीं है, until the completion of quality control review, until the completion of quality control review. एक घटिया सेंटेंस अगर आया, चेहरे पे एक्साइटमेंट देखो क्या आ जाता है, तो इस लेवल तक पहुंच गए हो ना तुम। हाँ, ये छोटी छोटी खुशियां है तुम्हारी। स्पेंड टू मिनट्स, रीड ऑल थ्री पॉइंट्स जल्दी जल्दी से, दिनों मन पढ़ो। वाह 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 वाह, बच्चे का इंटरप्रिटेशन। सर आई थॉट एंगेजमेंट पार्टनर शुड नॉट डेट द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर।
तू भी सोच सकते हो ऐसा भाई। तुम पढ़ो सेंटेंस। वैसे भी जो तुम चीजें पढ़ रहे हो कोई डेट करना चाहेगा नहीं तुमको। इतना बुरा चीजें पढ़ो तो इतना बोरिंग बोरिंग लाइफ है तुम्हारा यार। चलो पढ़ो, 2 मिनट टाइम इन्वेस्ट करो। चलो रीड दीज 3 पॉइंट्स। ऑफ करने का, ऑन करने का। मेरे को अभी तुमसे एक डाउट है, आगे इंडिपेंडेंस आने वाला है। आई विल हैव डाउट्स, आई विल आस्क यू, डोंट वरी। तुम्हें मेरे को अच्छा से गाइडेंस दे सकते हो। चलो चलो सिंपल चीज है सर, अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एप्लीकेबल है तो एंगेजमेंट पार्टनर ने इंश्योर करना चाहिए कि भाई उस एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर बराबर से अपॉइंट किया गया है। प्लीज ये मत समझना कि एंगेजमेंट पार्टनर विल अपॉइंट द रिव्यूअर, द अपॉइंटमेंट विल बी बाय द TCWG, दैट इज ऑडिट कमिटी। आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट गिवन इन द स्टैंडर्ड, आई एम टेलिंग यू द प्रैक्टिकल रेलिवेंस। इट इज जनरली अपॉइंटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। एंगेजमेंट पार्टनर रिकमेंडेशन देता है कि हमारे फर्म में सीनियर पार्टनर्स ये हैं, इनमें से हमें नहीं लगता किसी का भी कोई इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, हम इनको रिकमेंड करेंगे। फिर अगर TCWG कन्फर्म करता है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। बट सर इंपॉर्टेंट ये है, एंगेजमेंट पार्टनर ने उनके साइड से इंश्योर करना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो उन्हें ऑडिट के दौरान मिले हैं वो डिस्कस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ में, ताकि उन्हें अवेयरनेस रहे कि एग्जैक्टली ऑडिट में प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजों को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अपना ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करना चाहिए जब तक उनका रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है। मतलब सुनो, ये रिव्यू ऑडिट के पहले कंप्लीट होगा, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा और फिर रिपोर्ट दिया जाएगा। एक और रिव्यू होता है बच्चों, वो ICAI करवाता है थ्रू अ पीयर रिव्यू बोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, पीयर रिव्यू बाय ICAI। वो होता है ऑडिट होने के बाद में, वो होता है ऑडिट होने के बाद में। ये इंटरनली एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑडिट का ही पार्ट है। मतलब ये प्रोसेस खत्म होगा, इसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट बना के दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये ICAI का पीयर रिव्यू नहीं है, ये इंटरनल कंट्रोल जैसे हमने क्वालिटी रिव्यू बना दिया है जिसकी वजह से हमारा ऑडिट का क्वालिटी और बेहतर हो सकता है। एक्सटर्नल रिव्यू ICAI करवाएगा थ्रू अ पीयर रिव्यू बोर्ड। इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर ई। आपने ABCD 4 पॉइंट लिख दिए हैं, फोर्थ पॉइंट के अंदर 3 बुलेट पॉइंट से दे आर डन। राइट, राइट डाउन पॉइंट नंबर ई। इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इफ देयर इज a difference of opinion between engagement partner and quality control reviewer, between engagement partner and quality control reviewer, or within the engagement team, or within the engagement team, or with those consulted by the auditor, or with those consulted by the auditor, then they should follow, they matlab engagement team, then they should follow firm's policies and procedures, they should follow firm's policies and procedures to resolve such differences of opinion, to resolve such differences of opinion.
टू रिजॉल्व सच डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन. ये पैराग्राफ पढ़िए, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं. दिस कैन बिकम अ एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट. दिस पॉइंट नंबर ई इज इंपॉर्टेंट, रीड केयरफुली. मतलब देर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, या टीम मेंबर्स के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी हो सकता है कि भाई इस मैटर में हमने मॉडिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, या सर हो सकता है हमने किसी कंसर्न वगैरह से एक्सपर्ट किया होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रहेगा, हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ. किसी भी तरीके का अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बात समझिए, ऑडिटर एक ही है, रिपोर्ट एक ही आएगा. मतलब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा. इसके लिए जो आपके फर्म के पॉलिसीज है, एज अ ऑडिट फर्म नॉर्मली आप लोग क्या स्टैंड लेते हो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऑलवेज गो अहेड विद दैट डिसीजन एंड ट्राई टू कंक्लूड द डिफरेंसेस. यू कैन नॉट टेक दिस डिफरेंसेस अहेड. और आपने ऐसा अलग अलग ओपिनियन देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपका ओपिनियन आपका कंक्लूजन एक ही होना चाहिए. इस engagement performance clear to you? This note number 5 was very very important. हर एक चीज समझना चाहिए. एक काम करना, जो last दो point लिखे हैं आपने, point number D and E, अरे last दो point जो आपने लिखे हैं D and E, उन दोनों को mark करके लिख दो. Related to quality control review, related to quality control review, they are related to quality कंट्रोल रिव्यू. ये पता होना चाहिए, दे आर स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली फॉर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. सो इन दोनों पॉइंट पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है. इज दैट क्लियर टू यू? अब आखिरी पॉइंट बाकी है फॉर्मेलिटी के लिए. ऑनेस्टली 220 वैसे खत्म हो गया है. द लास्ट नोट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग. देखो वापस से नोटिस करो शांति से. 220 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आई नो तुम्हें पता चल चुका है, फिर भी सुन लीजिए. 220 का एक ही ऑब्जेक्टिव था, हम चाहते हैं ऐसे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएं कि हमारा हर ऑडिट एंगेजमेंट शुड कंप्लाई विथ ऑल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस. और हमारा रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेज. मतलब हमारा रिपोर्ट खराब नहीं होना चाहिए, गलत ओपिनियन नहीं होना चाहिए. सर कैन आई से इसके लिए हमने मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है? एंगेजमेंट पार्टनर को. सर आप एज अ लीडर इंश्योर करें पूरे एंगेजमेंट के लिए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाओ, सही टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करके असाइन करो, टीम मेंबर्स इंडिपेंडेंट एंड एथिकल है कि नहीं है ये चेक करो, उन्हें बराबर से डायरेक्शन दो, गाइडेंस दो, उनके डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करो, जिधर रिक्वायर्ड है एक्सपर्ट के काम को यूज करो, एंड इफ इट इज एप्लीकेबल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवाओ. कैन आई से सब कुछ मर्ज करके एक मस्त 5-6 पॉइंट में भी क्लोज हो सकता है? ये आपको अलग अलग नोट लिखवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आईसीआई इधर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, समझा क्या? वरना ऐसा मैं कभी लिखाता ही नहीं. मस्त 6 पॉइंट लिखा था मेरे हिसाब से और ऐसे 220 उड़ा देता लास्ट बैच तक, वही करता था, नहीं उसके लास्ट तक. हाँ मैं कभी तो करता था ऐसा, बिकॉज तब तक इतना डिटेल में 220 इंटरमीडिएट में मुझे उम्मीद नहीं था आ जाएगा. आई एम ग्लैड आ गया है, तो हम आगे बढ़ेंगे. कैन वी गो टू द लास्ट वन? जाइए नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग. टाइम पास है एकदम. नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग. सुनो, ये जो आपका नोट नंबर 1 से लेके 5 तक, कैन आई से सब कुछ क्या था? Responsibility of engagement partner, yes or no? तो सर इन्होंने क्या बोला है? As a engagement partner, सारे नोट में जो responsibility दिया है, मतलब सही टीम को असाइन करना, उनका इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना, ANC एनालिसिस करना, एंगेजमेंट का परफॉर्मेंस बराबर से होना, ये सब किसने इंश्योर किया है? एंगेजमेंट पार्टनर ने. तो सर एंगेजमेंट पार्टनर ने लास्ट में ये मॉनिटर भी करना चाहिए
कि ये सब बराबर से हुआ है क्या, क्या करना चाहिए, मॉनिटर भी करना चाहिए कि ऊपर जो जो चीजें थी वो सब बराबर से हुई है क्या। मतलब बेसिकली जो हमने कंट्रोल लगाए थे कि ऊपर वाले नोट में जो जो बोला सब होना चाहिए, क्या वो कंट्रोल ढंग से काम कर रहे थे क्या। मतलब अब आप इस लेवल पे आ गए हो कि आप ऑडिट फर्म के इंटरनल कंट्रोल का बात कर रहे हो। वापस से, बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल होता ही है, अब अज्यूम कर लो ऑडिट भी एक बिजनेस है, तो ऑडिट के बिजनेस को ओन करने वाला मतलब एंगेजमेंट पार्टनर, उसको भी क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल लगाना पड़ेगा। वो कंट्रोल लगा रहा है कि ऑडिट बराबर से होना चाहिए, तो तुमने जो कंट्रोल लगाए हैं कि ऑडिट बराबर से होना चाहिए, वो कंट्रोल को चेक भी तो करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर ऑडिटर, नॉट कंप्लायंस प्रोसीजर बाय ऑडिटर। इट इज कंप्लाई, सी अज्यूम ऑडिट इज अ बिजनेस फॉर यू, यू वुड वॉन्ट ये बिजनेस बराबर से होना चाहिए, तो तुमने अपने बिजनेस के लिए क्या लगाया, कंट्रोल लगाया। ये जो सारे नोट है ना, ए एंड सी एनालिसिस करना कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन बराबर से मेंटेन करना कंट्रोल है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करना कंट्रोल है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना क्या है, कंट्रोल है। ये सारे के सारे कंट्रोल कौन लगा रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर, कौन लगा रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर। कंट्रोल लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, ढंग से काम भी करना चाहिए, तो तुमने देखना भी है इज दिस कंट्रोल वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। राइट डाउन नोट नंबर 6, मॉनिटरिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1, बहुत सिंपल है ये। एंगेजमेंट पार्टनर शुड इवैल्यूएट whether an effective system of quality control including monitoring process is designed and implemented to achieve the objective of SA220. Designed and implemented to achieve the objective of SA220. Objective क्या है, वो तो point number 1 में पढ़ चुके हो आप। हमारा ऑडिट बराबर से होना चाहिए, रिपोर्ट क्या होना चाहिए मतलब सुनिए, हमने देखना है क्या तुम्हारे पूरे फर्म में एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। उस सिस्टम में मॉनिटरिंग वाला स्टेप भी आना चाहिए। कौन सा स्टेप आना चाहिए, मॉनिटरिंग। मतलब आपने बोला ये प्रोसेस है, हमने ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो आपने ये भी देखना चाहिए क्या ये प्रोसेस फॉलो होता है क्या। देखो, एक होता है कंट्रोल को डिजाइन करना, एक होता है कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, एंड तीसरा होता है मॉनिटर करना। देर आर 3 स्टेप्स, 1 इज कॉल्ड एज डिजाइन, 2 इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंट, एंड द लास्ट 1 इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। हर कंट्रोल में ये 3 स्टेप हमेशा आते हैं। तो सर कंट्रोल का डिजाइन बराबर होना चाहिए, ये हम पहले चेक करते हैं, क्योंकि इस बार तो कंट्रोल लगाने वाला ऑडिट फर्म का पार्टनर खुद ही है, वो खुद ही इंश्योर कर रहा है कि मेरे फर्म में कैसे काम होना चाहिए। कहना ना इसे वही इंश्योर करेगा कि चीजें इंप्लीमेंट भी होनी चाहिए, तो सर उसने ये भी तो इंश्योर करना चाहिए चीजें मॉनिटर भी होनी चाहिए। सर इसमें एक रिस्क है, आपको जानना है तो 2 मिनट के लिए सुनिएगा। इमेजिन अ सिचुएशन, ईवाई पुणे, देयर आर 5 पार्टनर्स, उन 5 पार्टनर ने मिलकर के हमारे फर्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए डिसाइड किया, मतलब कंट्रोल लगाया, डिजाइन उन्होंने किया। अब 5 के 5 पार्टनर ही पूरे एंगेजमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंट्रोल फॉलो होते हैं, ये इंश्योर कौन करता है, पार्टनर ही इंश्योर करता है। इट लुक्स लाइक डिजाइन करने वाला इंसान भी सेम है, इंप्लीमेंट करने वाला इंसान भी सेम है, अगर मॉनिटरिंग भी वो खुद करेगा, डोंट यू थिंक वो खुद ही अपने कंट्रोल को ओवरहेड करेगा, कंट्रोल का कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, अरे थोड़ा समझ में आएगा। सो सर आई डिजाइन द क्वालिटी कंट्रोल, आई इंप्लीमेंट द क्वालिटी कंट्रोल, तो मॉनिटरिंग किसी और ने करना चाहिए ना, इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हॉट रिव्यू। एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जहां पर ईवाई ग्लोबल एक टीम को अपॉइंट करेगा, सुनना, नॉट ईवाई पुणे, ईवाई ग्लोबल एक टीम को अपॉइंट करेगा, वो कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे,
अब लेट्स से इंडिया के अंदर देर आर मल्टीपल फर्म्स, वी हैव अ पुणे ऑफिस, वी हैव अ बॉम्बे ऑफिस, वी हैव गुड़गांव ऑफिस, हैदराबाद ऑफिस, कैलकटा ऑफिस, लेट्स से उन्होंने इनमें से पुणे ऑफिस को पिक किया। अब पुणे ऑफिस में पांच पार्टनर के पास में 100 क्लाइंट्स हैं, इसमें से कौन कौन से क्लाइंट्स को हमको रिव्यू करना है, मतलब जैसे आईसीआई का पीयर रिव्यू होता है वैसे ईवाई खुद का इंटरनल रिव्यू भी करवाता है, मतलब तीन तीन रिव्यू हो गए। अब ज्यादा हो गया सर थोड़ा सा। पहला हो गया आईसीआई का पीयर रिव्यू, वो एकदम अलग है, उसके लिए पीयर रिव्यूअर कौन आएगा, आईसीआई का बंदा आएगा, द बोर्ड इज कॉल्ड एज पीयर रिव्यू बोर्ड। दूसरा, हर ऑडिट एंगेजमेंट जो लिस्टेड कंपनी का है उसके लिए एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, बट ये एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए है, ये एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए है। अब तीसरा रिव्यू जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एज अ ईवाई हम करवा रहे हैं कि हम एज अ ईवाई चाहे हम पुणे से काम करें बॉम्बे से काम करें हमारा ऑडिट क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, तो हम सैंपल बेसिस पे पुणे को सेलेक्ट किए, पुणे में 100 क्लाइंट में से कोई भी 5 क्लाइंट को सेलेक्ट किया। नॉर्मली हर पार्टनर के अंदर एक एक जो बड़ा लिस्टेड कंपनी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लायंस लिस्टेड कंपनी में होता है, सबसे ज्यादा रिस्क किधर होता है, लिस्टेड कंपनी में होता है, और उधर जाकर के इंटरोगेशन करेंगे, मतलब अ ग्लोबल टीम मेंबर विल कम टू पुणे एंड इंटरोगेट द पुणे पार्टनर एंड द टीम मेंबर्स, आपने ये ऑडिट ऐसे ही क्यों किया, डॉक्यूमेंटेशन इतना ही क्यों किया, सैंपलिंग ऐसे ही क्यों लगाया, मतलब देयर इज अ इंटरनल पीयर रिव्यू विद इन द फर्म्स ऑल्सो, तब होगा ना मॉनिटरिंग, तभी जाके तो मॉनिटरिंग होगा, वरना पता चलेगा हम ही कंट्रोल बनाएंगे, हम ही उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और हम ही मॉनिटर कर लेंगे, सब बढ़िया है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? सो आई एक्सप्लेन्ड यू इन रियलिटी व्हाट द प्रोसेस इज, दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ बिगर फर्म्स हु हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस, इन स्मॉलर फर्म्स जो पार्टनर है वो खुद ही क्या कर लेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं होता है। कैन वी गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू करें क्या? चलो आ जाओ मॉनिटरिंग के अंदर, पॉइंट नंबर वन पढ़ के देखो जरा समझता है क्या। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए किसका, क्वालिटी कंट्रोल का, जिसके अंदर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, ताकि हम क्या अचीव कर सकते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। अरे ऑडिट में एक ही ऑब्जेक्टिव है, ओपिनियन सही जाना चाहिए, यस और नो, उसको अचीव करने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल लगाया है उसमें मॉनिटरिंग भी ऐड कर दो, मतलब जो जो काम हो रहा है उसे चेक भी करते जाओ। एग्जांपल, तुमने बोला डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो सैंपलिंग के बेसिस पे चेक करो हमारे हर क्लाइंट के लिए हमने 30 दिन में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया कि नहीं किया है। मॉनिटरिंग मतलब चेक करना, ओके, राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, एंगेजमेंट पार्टनर should document, point number B, engagement partner should document the following matters, regarding each audit engagement, बच्चों monitoring के लिए पहला point ही था, ये सेकंड पॉइंट एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन है, समझना मेरा बात, पर लिखा किसके अंडर है, मॉनिटरिंग के अंडर लिखा है, बट एक्चुअली मॉनिटरिंग के लिए एक ही सेंटेंस था जो पहला पॉइंट लिखा दिया आपको मैंने, इसीलिए यहां पर मुझे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी लगता ही नहीं है, बिकॉज मॉनिटरिंग का मतलब तो सिंपल था, ये मॉनिटरिंग मतलब चेकिंग होना चाहिए कि हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल्स है जो काम करते हैं या नहीं करते, ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट करने के लिए बोल रहा है। सुनिए, नोट नंबर 1-5 में जो जो किया है उसका आउटकम डॉक्यूमेंट करो, नोट नंबर 1-5 में जो जो किया है उसका आउटकम डॉक्यूमेंट करो, इस एंगेजमेंट के लिए टीम मेंबर्स कौन कौन है डॉक्यूमेंट करो, इस एंगेजमेंट में कौन से टीम मेंबर के ऊपर इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आया है डॉक्यूमेंट करो, कॉन्फ्लिक्ट आया हमने क्या किया डॉक्यूमेंट करो, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस एनालिसिस लगाया उसका आउटकम क्या आया डॉक्यूमेंट करो, थर्ड पार्टी एक्सपर्ट को हायर किया उसका डिसीजन क्या आया मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन फ्रॉम नोट नंबर 1-5। डॉक्यूमेंटेशन इज द लास्ट थिंग, जो जो आप करते हैं उसका क्या करते हैं समराइजेशन करते हैं इन योर वर्क पेपर्स, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, बुलेट पॉइंट नंबर वन, एक दो तीन एग्जांपल लिखवा देता हूं, इश्यूज आइडेंटिफाइड, इश्यूज आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग
कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इश्यूज आइडेंटिफाइड रिगार्डिंग कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स, रिगार्डिंग कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स. बुलेट पॉइंट नंबर टू, कंक्लूजन्स रीच्ड. बुलेट पॉइंट नंबर टू, कंक्लूजन्स रीच्ड रिगार्डिंग ए एंड सी एनालिसिस. ए एंड सी मतलब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस एनालिसिस. बुलेट पॉइंट नंबर थ्री, नेचर स्कोप एंड कंक्लूजन्स. नेचर स्कोप एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय अंडरटेकिंग कंसल्टेशन, बाय अंडरटेकिंग कंसल्टेशन दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट. बाय अंडरटेकिंग कंसल्टेशन दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट. मतलब आप अगर पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपके जो ऊपर के नोट्स हैं उनमें से कुछ जो कंक्लूजन है उन्हें आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. इज दैट क्लियर टू यू? एक बुलेट पॉइंट और लिख दो लास्ट. चलो तुम भी याद रखोगे. ये एथिकल रिक्वायरमेंट का इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स. बुलेट पॉइंट नंबर फोर, इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स इफ एनी. मतलब हर बार कोई इशू मिलेगा जरूरी नहीं है, क्रिएट करने के लिए मत जाना फालतू में. इफ एनी. इज दैट क्लियर टू यू? दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसए 220. आपको हर एक चीज क्वालिटी कंट्रोल रिलेटेड अच्छे से बताया है. मेरे को लगता है इस एसे पे बढ़िया क्वेश्चन इंटर में आ सकता है. दैट्स व्हाई यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अभी गुड. तीन चीज याद रखना. ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 220 जो पॉइंट नंबर वन में लिखवाया था, दिस ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 220 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट नंबर थ्री दैट इज ए एन सी एनालिसिस, उसमें क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन नंबर फाइव दैट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के दौरान क्या क्या चीजें एंगेजमेंट पार्टनर ने ख्याल में रखनी चाहिए, वो चीज जरूर आ सकता है. नोट फाइव के अंदर भी इंटरनली फोर एंड फाइव जो आखिरी दो पॉइंट लिखाए थे ऑन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर वन ऑब्जेक्टिव ऑफ 220, नोट नंबर थ्री ए एंड सी एनालिसिस जो आज लिखाया, नोट नंबर फाइव एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, नोट फाइव में भी फोर एंड फाइव दैट इज वेयर यू हैव क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. इज दैट क्लियर टू यू? दिस मार्क्स द एंड ऑफ एसे 220 एंड नाउ वी विल गो बैक टू आईसीएआई'स ब्यूटिफुल चैप्टर. चलिए अब हम आपको पढ़ाएंगे एथिक्स. मेरे को ऐसा लगता है शायद आपको अब एथिक्स समझ में आएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल एज ऑफ नाउ? अभी तक सोने वाला स्लॉट नहीं आया है. दैट विल कम एट 2 o'clock, नॉट नाउ. चलिए लेट्स गो टू एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ इंग्लिश. क्या बंद किया ना उसको ऑलरेडी? 24 करने के लिए बोला मैंने उसको. क्या तू अभी बंद कराओगे? दशमा फिर बोलो, ठंड लग, गर्मी लग रहा है. बंद करने का? वो भी बंद है, चालू करने का? क्या अलग प्रॉब्लम है यार. अतुल ठीक है, बुला था उसको मैं. तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम अच्छे हो यार, अरे अरे भाई ऊपर आ, एक एसी बंद करना ही चालू करना है, रिमोट किधर है उसका देख ले तू जरा। चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन, आइए इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 11 पॉइंट, कोई बढ़िया चीज पढ़ते हैं यार, टाइम पास नहीं पढ़ने का, मेरे को बोर हो गया यार। 11.5 कम टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, आइए मजेदार चीज है यार, बढ़िया डिस्कशन करने लायक है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, एवरी वन आई वॉन्ट योर 100% अटेंशन, लेफ्ट साइड बोर्ड मीटिंग खत्म कर लो, अभी तुम्हारा हो गया। सुनिए इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है। सर फर्स्ट डे जब हमने ऑडिट पढ़ना शुरू किया था एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स एंड जो पहला टाइटल था दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, याद है कैसा टाइटल था ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, याद आया क्या सर? मतलब इंडिपेंडेंट वर्ड वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब सुनिए जब हम वर्ड इंडिपेंडेंस का बात करते हैं ना, सबसे पहला चीज क्या ये वर्ड इंडिपेंडेंस डिफाइंड है? बहुत जगह डिफाइंड है बट you cannot have complete interpretation of independence only just by reading Companies Act or just by reading Chartered Accountants Act or just by essays. It's a combination. मतलब independence essays के अंदर भी मिलेगा, Companies Act के अंदर भी मिलेगा एंड Chartered Accountants Act 1949 के अंदर भी मिलेगा, और अब तो आपको इसके ऊपर गाइडेंस नोट्स भी रहेंगे। मतलब इंडिपेंडेंस वर्ड बहुत जगह पर डिफाइंड है। आप लोग एक काम कीजिए, पेज नंबर 11.5 पे आइए एंड एक इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ाता हूं, पहले वो पढ़िएगा, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन, मजेदार है। 4 and 5 में, नंबर 5 में दो पर्सपेक्टिव्स दिए हैं, रीड दीज टू वर्ड्स। अतुल वो स्टार्ट कर दे, ये बंद कर दे, बाकी रहने दे, क्या ये भी बंद कर दे, फिर घुटन हो जाएगा थोड़ी देर में तुमको यार, चलेगा? सब बंद कर दे, इनको गर्मी में बैठ रहने दे, अतुल वो ऑन कर दे उधर वाले, सही में सब बंद कर दे, मैं मजाक नहीं कर, हो गया भी बहुत इरिटेट कर दिया इन्होंने मेरे को भी। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड एज, मेरे को सही में कोई विपासना सेंटर वगैरह जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है ऐसा। एक वर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, एक वर्ड है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। मतलब सुनिए, दे बिलीव the word independence is so open-ended that it's not possible to explain this concept only by writing one line. इन्होंने दो perspective दिया है कि एक auditor independent in terms of mind भी होना चाहिए, मतलब जब वो as a auditor act कर रहा है, from his mental state there should not be any situation जो उसे इन्फ्लुएंस करेगी या उसे बायस्ड बना देगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इज मोर अबाउट हाउ यू एक्ट एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, व्हेन यू मेक अ डिसीजन हमने ये एरिया चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमने सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना चाहिए या टीओडी भी लगाना चाहिए, सर हमने कितना सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, ये जो डिसीजन मेकिंग है आपका ये प्योरली आपके जजमेंट पे डिपेंडेंट होता है, और आपका जजमेंट जो है वो कंप्लीटली अनइंफ्लुएंस होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट
विथ हिज माइंड पर्सपेक्टिव, मतलब उन्होंने काम करते वक्त कहीं पर भी अपने जजमेंट में इन्फ्लुएंस को नहीं आने दिया। सर ये तो होता है जब आप उनका काम इवैल्यूएट करते हो, बट सर जब मैं उनका काम नहीं, मैं एज अ पर्सन या एज अ फर्म भी आपको इवैल्यूएट कर सकता हूं। एक बात सोचिए, आपको सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ाया है, बराबर है? ये डिस्क्वालिफिकेशन में आप क्या जज कर रहे थे? किसी का मेंटल सेट जज नहीं कर रहे थे। डिस्क्वालिफिकेशन में आप ये जज कर रहे थे ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सामने वाला इंसान बायस हो सकता है क्या? आपने बोला अगर मेरे पास में टाटा मोटर्स का इक्विटी है तो मैं टाटा मोटर्स का अगर ऑडिट करूंगा मैं बायस हो सकता हूं। हाउ डिड यू डिसाइड दिस? प्योरली ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स कि भाई इफ आई हैव शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स दैट मींस आई कैन बी बायस्ड। अरे बराबर है कि नहीं है? कैन आई से इन 141 सबसेक्शन 3 आपने डिस्क्वालिफिकेशन का लिस्ट बना के एक तरीके से बताया कि एटलीस्ट ऑन पेपर अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो इंडिपेंडेंट तू है कि नहीं है? सुनो, हो सकता है मेरे पास शेयर्स नहीं है कंपनी के, हो सकता है मेरे पास में कोई इंडेटनेस गारंटी बिजनेस रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, फिर भी जरूरी है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं? नहीं, दैट इज जस्ट ऑन पेपर इंडिपेंडेंट हूं। व्हाट इफ काम करते हुए मैं बायस हो गया? तो मतलब समझिए, इंडिपेंडेंस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट्स ऑल्सो अबाउट योर थॉट प्रोसेस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स। इसीलिए बोलता है ऑडिटर ने इंडिपेंडेंट शुड बी इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ माइंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। दोनों सेंटेंसेस मेरे साथ पढ़िए, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इन दोनों को इवैल्यूएट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ये जब नेगेटिव चीज पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कब कब ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। नॉर्मली अज्यूम ही कर दे हर इंसान इंडिपेंडेंट ही है, अनलेस देयर आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ये थ्रेट्स आ जाएंगे तो हमें उसके इंडिपेंडेंस पे क्या आ जाएगा? डाउट आ जाएगा। लेट्स रीड अलोंग विद मी इंडिपेंडेंस का पॉइंट नंबर 5। देखिए क्या बोलता है सर, देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, सेकंड इज इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। मतलब क्या है सर? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड देखिएगा, द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स, मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो अलाउ करता है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे पाएगा विदाउट बीइंग अफेक्टेड। मतलब ऑडिटर अपने मेंटल स्टेट के थ्रू काम कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है, बट वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हो रहा है। मतलब विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस, जिसकी वजह से उसका जजमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्रोमाइज। मतलब वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा है। मतलब उसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट इज प्रायोरिटी नंबर 1, एवरीथिंग एल्स इज बिहाइंड इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर उसे पता है इस सर्कमस्टेंसेस में मुझे प्रोफेशनली एक्ट करके ये डिसीजन लेना चाहिए तो मैं यही डिसीजन लूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनर कौन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फीस क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मेरे पास टाइम अवेलेबल है या नहीं है, वो सब सेकेंडरी है। पहले है सही डिसीजन लेना, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। मतलब इट विल अलाउ एन इंडिविजुअल टू एक्ट विथ, याद है क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो इंटीग्रिटी के साथ काम कर पाएगा, ऑब्जेक्टिविटी एक्सरसाइज कर पाएगा। इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी इज बीइंग फेयर इन सर्कमस्टेंसेस, इंटीग्रिटी इज ऑब्जेक्ट, इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सही सर्कमस्टेंसेस में सही तरीके से एक्ट करना, मतलब बीइंग फेयर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। एंड कैन यू सी अ वर्ड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसके नीचे लिखिए क्वेश्चनिंग माइंड, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वर्ड के ब्रैकेट्स में लिखिए क्वेश्चनिंग माइंड। मतलब सर इस वर्ड का मतलब होता है पूरे ऑडिट के दौरान ऑडिटर शुड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब उसने क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए हर सर्कमस्टेंसेस में, अगर थोड़ा भी डाउट आता है तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। इट्स सिंपल, आपको हर बार बोलते हैं ना, डिफरेंस इन बैलेंस एज पर क्लाइंट रिकॉर्ड्स एंड बैलेंस एज पर थर्ड पार्टी, क्या करोगे? इंक्वायर। इंक्वायर मतलब क्वेश्चन ही पूछोगे। जिधर भी आपको डाउट आता है आपने क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि आप गलतियों को ढूंढ पाएंगे। मतलब कहना है इसे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म
मुझे हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। मतलब सुनो, सिंपल, ऑडिटर ने इंटीग्रिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो उसको इंपैक्ट करेगी, कैन आई से इट विल इंपैक्ट माय इंडिपेंडेंस। तो हम चाहते हैं आई शुड एक्ट कंप्लीटली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस सो दैट आई कैन कंप्लाई विद ऑल दिस। दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। मतलब नथिंग इज इंपैक्टिंग माय स्टेट ऑफ माइंड सो दैट आई डोंट एक्ट विद इंटीग्रिटी, सो दैट आई डोंट एक्ट विद ऑब्जेक्टिविटी, सो दैट माय स्केप्टिसिज्म इज कॉम्प्रोमाइज्ड। थोड़ा समझ रहा है या मस्त बाउंसर जा रहा है? दूसरा वाला पॉइंट और मजेदार है, देखो। अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट। मतलब सुनिए, यू आर अ पार्टनर ऑफ अ बिग फोर, आपको ICAI एक कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में एज अ स्पीकर इन्वाइट करता है, एंड एवरीवन नोज दैट यू आर साइनिंग ऑन अ बिग NBFC बेस्ड आउट ऑफ पुणे। एग्जाम्पल, आपको एज अ स्पीकर बुलाया और आपको बोला इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन हाउ NBFCs वर्क, inform and explain how NBFCs work, ताकि students and young members समझ पाए और सीख पाए कि NBFCs का काम करने का तरीका कैसे होता है। Everyone knows that public domain में information available है, तुम एक listed company जो NBFC है based out of your city उस पर साइन करते हो, बराबर है कि नहीं है? तो क्या तुमने अपने स्पीच के दौरान कभी भी confidentiality breach करना चाहिए? कभी भी तुमने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए जो कंपनी से बिलोंग करता है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है? मतलब क्या तुमने इनडायरेक्टली रिकमेंडेशन करना चाहिए? जो NBFC में साइन करता है वो तो बेस्ट NBFC है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। एनीथिंग आई से, एनीथिंग आई डू दैट गिव्स अ रिकमेंडेशन दैट इन्वेस्ट, और गिव्स अ रिकमेंडेशन दैट दिस इज द बेस्ट कंपनी और दिस इज द वर्स्ट कंपनी, कैन आई से एक तरीके से मेरे रिएक्शंस विल मेक यू डिसाइड आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब बेसिकली आई एम बायस अबाउट अ कंपनी, that means I am biased about a company. Agar bolta hu this is the best NBFC to invest in the entire country and I am the auditor, I am 100% biased. And if my behavior is such that any third party will think that ye insan biased hai, to actually main biased hu. मतलब ये बेसिकली सिंपल है, मैंने हर उस फैक्ट को, हर उस सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करना चाहिए जिससे शायद एक थर्ड पार्टी को डाउट आएगा कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंस बहुत डेंजरस है, इट कैनॉट बी डिफाइंड ओनली बाय लॉ, इट कैन बी एनी सिचुएशन। मैं आपको इतने एग्जांपल्स दूंगा आगे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस में, आपको समझ में आएगा सब नॉर्मल होकर के भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ऐसा हो सकता है। रीड दिस पॉइंट नंबर डी, अवॉइड कीजिए ऐसे फैक्ट्स एंड ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो कि हमें इतने सिग्निफिकेंट लगते हैं कि कोई भी एक रीजनेबल इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी जिसको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, वो आपके बारे में कंक्लूड करेगा। क्या कंक्लूड करेगा? कि आपका इंटीग्रिटी, आपका ऑब्जेक्टिविटी, आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या हो चुका है? कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मतलब वो इनडायरेक्टली कमेंट करेगा तुम इंडिपेंडेंट नहीं है। एनीथिंग यू डू, एनीथिंग यू से दैट विल मेक अ थर्ड पर्सन क्वेश्चन योर इंडिपेंडेंस, वी विल से यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इन अपियरेंस। थोड़ा चलो एक काम करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, फिर हम इधर वापस आते हैं। अभी तो की बेसिक ओवरव्यू दे, एग्जांपल पे जाएं क्या? चलिए, ऑल द बेस्ट। ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा चीज है। पेज नंबर 11.6 यू विल सी हेडिंग कॉल्ड एज थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। पहले थ्रेट्स पढ़ते हैं, फिर हम इंडिपेंडेंस का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आइए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, लुक एट द वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मतलब हम ये सारे थ्रेट क्यों पढ़ रहे हैं? आप एक कंपनी के ऑडिटर हैं, अगर ये जो नीचे दिए गए पांच सर्कमस्टेंसेस हैं, इनमें जो भी सिचुएशंस और एग्जांपल्स दिए हैं, एक भी चीज अगर अट्रैक्ट होती है तो हमें लगेगा आप क्या नहीं है? इंडिपेंडेंट नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? पढ़िए जरा एग्जाम्पल पढ़ो। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट। मतलब क्या इसका? तुम तुम्हारे क्लाइंट के साथ ही मिलके नया बिजनेस शुरू करते हो,
या तुम तुम्हारे क्लाइंट के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्टली नहीं करते हो सर, इनडायरेक्टली करते हो। दोनों केस में आप चाहते हो आपका क्लाइंट आगे बढ़े, वो हम भी चाहते हैं, बट इस बार आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो आगे बढ़े, क्योंकि वो जब आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं क्या? यू हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट विद द क्लाइंट, दैट मीन्स यू वॉन्ट देयर बिजनेस टू डू एब्सोल्यूटली वेल, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट मीन्स यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अरे हाँ या ना। नंबर टू, लोन और गारंटी, या तो आपने क्लाइंट को दिया है बहुत ही बढ़िया, और आपने क्लाइंट से लोन या गारंटी लिया होगा, दोनों केस में प्रॉब्लम है कि नहीं है? याद करो लॉ में तो वर्ड भी दिया है, इनडेटनेस और गारंटी, 5 लाख और 1 लाख, याद आया क्या? बट आई टेल यू व्हाट, वो सिर्फ बोलने के लिए है। इन रियलिटी लोन या गारंटी का ट्रांजैक्शन होना अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। एक बात सोचो ना यार, यू आर अ पार्टनर ऑफ ईवाई, यू हैव टेकन लोन ऑफ 1 लाख रुपीज फ्रॉम बजाज फाइनेंस एंड द ऑडिटर फॉर बजाज फाइनेंस, नो ऑफेंस, टेकिंग अ लोन इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट्स अ क्लाइंट, हाउ कैन यू हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप? सर वो लिमिट है ना 5 लाख। अरे नहीं यार, वो लिमिट है मतलब तेरे को ये बिजनेस रिलेशनशिप में ज्यादा इंटरेस्ट है। इफ यू रियली बिलीव यू आर द ऑडिटर फॉर सच अ फाइन क्लाइंट, व्हाई वुड यू हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप? और क्या बजाज फाइनेंस वाला कोई और नहीं मिलेगा क्या लोन देने के लिए? अरे मिलेगा ना यार, तो किसी और से लोन लेना चाहिए ना। अरे बहुत समझ में आया क्या? प्लस तू बजाज फाइनेंस का ऑडिटर है, 1 लाख का लोन लेना भी शोभा नहीं करता। वो बात भी है, दैट्स ओके, बट स्टिल दैट इज योर पर्सनल चॉइस, अंडरस्टैंडेबल, बट यू शुड नॉट हैव सच। ये लिमिट सब लॉ में लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए, रियल लाइफ में नहीं होते ये ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन की ना ऑडिट कमेटी बोलेगा, एक ही ऑडिटर नहीं, किसी और को अपॉइंट कर लो, ऐसा कोई अपना रिश्ता नाता नहीं है ईआरआई के साथ में, पीडब्ल्यू को अपॉइंट कर लो, पड़ोसी है उसका, टाइम पे पहुंचे दोनों के दोनों, समझ लो मेरा बात, केबीएमजी को अपॉइंट करो, 2 किलोमीटर दूरी रहता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Why would you continue with such a client, such a audit firm? I hope you are understanding this. Third point मैंने आपको बताया था, सुनिए, आपका audit firm है, आपका firm का total revenue 100, आपके firm का total revenue 100, इसमें जैसे 70 या 80 रुपीज ना एक ही client दे रहा है आपको XYZ, अब तो एक client जाना नहीं चाहिए, और एक client को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस client को मैं बताऊंगा तेरे को कैसे धंधा करने का, because if you go down, I to go out of business. I hope you understand this. So, sir, देखिए, undue dependence on clients' fees, and hence you will have a concern that I may lose the engagement. और आपको डर है कि मेरे को engagement, मतलब basically it is impacting your state of mind. You will not be able to act independent. सोचिए ना, point number 3, क्या मेरे independence of mind को भी impact करेगा, and independence in appearance को भी impact करेगा? Independence of mind तुमको internally impact करेगा, तुम्हें मालूम है एक client को कुछ नहीं होना चाहिए, इससे कोई argument नहीं होना चाहिए, इसका fees मेरे लिए important है। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कोई भी थर्ड पर्सन देखेगा और बोलेगा, अगर 70% 80% रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से आ रहा है, मतलब तू बायस होगा। हाँ या ना, अभी समझ रहा है क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये सारे एग्जाम्पल आपको उधर लेके जाते हैं। नंबर 4 मजेदार है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब ये क्लोज वर्ड डिफाइंड नहीं, बट बिजनेस रिलेशनशिप होता है, सेम बिजनेस में हो, दोनों ने मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू किया होगा, तब भी इनडायरेक्टली बायस तो आएगा कि नहीं आएगा? नंबर 5 मजेदार है, एग्जाम में आ सकता है, इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। सुनिए, You are the senior manager with EY Pune. Example है, किसी एक इंसान से resemble नहीं करता है ये सब चीजें। You are the senior manager with EY Pune. Example, you are part of let's say Bajaj Finance का audit, and you believe ये साल का audit अगर बढ़िया गया तो अगले साल सही सब कुछ चला तो मैं उस साइड में रहेगा। आज मैं EY के साइड में है, मुझे इनडायरेक्टली ऑफर आ चुका है फ्रॉम द क्लाइंट दैट यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस फर्म, सो वी विल हेल्प यू टू बिकम हेड ऑफ आर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, और लेट्स से फाइनेंस कंट्रोलर के नीचे कोई पोजीशन रहेगा, मतलब बॉटम लाइन यू आर एक्सपेक्टिंग अ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। तो आप इस साल तो क्लाइंट को कुछ नहीं होना चाहिए,
कैन आई से विल इट इम्पैक्ट योर इंडिपेंडेंस? यस। सुनिए, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आसान लग रही होगी, पर एक्चुअली में ये बहुत चैलेंजिंग चीज है। ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर। लास्ट वाला पॉइंट पढ़िए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कैन आई चार्ज ऑडिट फीस एज 5% ऑफ रेवेन्यू, और मतलब एनी परसेंट ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट, ऐसा परसेंटेज में चार्ज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करो ना यार चार्ज। प्रॉब्लम क्या है? तुम क्लाइंट ग्रो करेगा, तुम भी ग्रो करोगे ना साथ साथ के अंदर। सर उस केस में तुम्हें इंश्योर करेगा फिर कि प्रॉफिट होना ही चाहिए, तुम्हें इंश्योर करेगा रेवेन्यू होना ही चाहिए। सो योर फीस कैन नॉट बी कंटिंजेंट, मतलब इट शुड बी फिक्स्ड। फीस शुड बी फिक्स्ड। कंसल्टिंग में परसेंटेज हो सकता है, एडवाइसरी में परसेंटेज हो सकता है, ऑडिट में अलाउड नहीं है। क्या थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पहला थ्रेट समझ में आया क्या? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। वी आर इन चैप्टर नंबर 11 नाउ। राइट डाउन चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 पहला हेडिंग लिखिए, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। पहला हेडिंग लिखिए, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अंडर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस राइट डाउन नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अंडर दिस पॉइंट नंबर 1 पांच थ्रेड्स आएंगे। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड अंडर दिस पॉइंट नंबर 1। दीज थ्रेड्स विल ऑकर व्हेन एन ऑडिट फर्म, दीज थ्रेड्स विल ऑकर व्हेन एन ऑडिट फर्म कॉमा इट्स पार्टनर्स, ऑडिट फर्म कॉमा इट्स पार्टनर्स और एसोसिएट्स, और एसोसिएट्स कुड बेनिफिट, और एसोसिएट्स कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एन ऑडिट क्लाइंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एन ऑडिट क्लाइंट। सर अगर फर्म, पार्टनर या कोई भी एसोसिएट जो फर्म के अंदर काम करता होगा फर्म से कनेक्टेड रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी ऑडिट क्लाइंट से फाइनेंशियल बेनिफिट अगर मेरे को मिल सकता है तो मेरे लिए ये इंटरेस्ट कहलाएगा सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब मेरा खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो सर उस केस में थ्रेट टू इंडिपेंडेंस होना ही है। इज मीनिंग ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल्स। पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल्स डैश करके लिखो, लोन और गारंटी। शॉर्टकट में 2-3 लिखाता हूं, लोन और गारंटी कॉमा कंटिंजेंट फीस कॉमा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट कॉमा अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट्स फीस, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट्स फीस etc. undue dependence on a client's fees etc. these are simple examples जहां पर आपका खुद का financial interest directly indirectly associated है, तो भाई उस केस में तुम independent नहीं रहोगे। number two the threat is called as self review। अरे तुम लोग सो रहे थे इसलिए मैं बोला time pass कर देता हूं। the second threat is called as self review threat। notebook में जाइए, पॉइंट नंबर 2 सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसमें देखो क्या बोलता है सर, डर यह है कि कहीं हमने क्लाइंट के लिए कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की होगी, अब उनका ऑडिट हम खुद करने जा रहे हैं। आई एम श्योर आपको लॉ में एक सिचुएशन आया होगा, सुनिएगा। आई बिलीव दिस कैन बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन
एट अ फाइनल लेवल इट हैज बीन आस्ड इंटर इट कैन बी आस्ड. आपने सुना होगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर, सुना होगा. अज्यूम अ सिचुएशन, एक कंपनी है एक्स वाई जेड, मैं डायरेक्टली एग्जांपल मैं आ रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग टाइम पास, 1392 क्या बोलता है वगैरह वगैरह, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम पढ़ लेना. केस सुनो, सिचुएशन समझो, और क्यों लॉ साइलेंट होते हुए भी आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है और कोड ऑफ एथिक्स आपको गाइडेंस दे रहा है. सुनिएगा, एक कंपनी एक्स वाई जेड सर, उसके लिए रोटेशन अप्लाई हो गया. यू आर लेट्स से ईवाई पुणे, आपका इनके साथ में 5 साल 10 साल, मतलब नॉर्मली फर्म है 10 साल का रिलेशनशिप रहेगा, दैट इज डन. रोटेशन के बाद बोलते हैं ना आपको, देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स, देयर इज अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 इयर्स. नाउ देयर इज सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेस. आपने सुने होंगे कुछ सर्विसेस हमने प्रोवाइड नहीं करने चाहिए जब हम क्या है, ऑडिटर है. नॉट अलाउड व्हेन यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. सुनिएगा मेरा बात, 144 बोलता है डोंट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज व्हेन यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. 10 साल खत्म हो गए सर मेरे, 5 साल का कूलिंग पीरियड है, तो क्या ये 5 साल की कूलिंग पीरियड में मैं 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं क्या? वापस से सुनिए, अरे सुनो यार, मैं खुद बताऊंगा, आंसर भी दे दूंगा, तुमको परेशान नहीं करूंगा. सर बजाज फाइनेंस है, 10 साल ऑडिट किया, रोटेशन अप्लाई हुआ, कंप्लायंस किया, 5 साल का कूलिंग पीरियड आया. 5 साल के कूलिंग पीरियड के अंदर क्या मैंने 144 वाली सर्विसेज, उसमें इंटरनल ऑडिट भी आता है, उसमें आपका कोई भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस आता है, क्या मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूं? लॉ कुछ नहीं बोलता है इसके रिगार्डिंग, कंपनीज एक्ट कुछ भी नहीं बोलता है. एंड आई विल टेल यू, मेजोरिटी पीपल विल से हाँ कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या है? जब लॉ कुछ बोल नहीं रहा मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, ठीक है कर लो. 5 साल के बाद में अगर तुम चाहते हो वापस ऑडिटर बनना, तो आपको यह चीज रोक लेगा. मतलब 144 वाले सर्विस प्रोवाइड कर लेना, बट 5 साल के बाद ऑडिटर ही बन सकते हो वापस. रोटेशन अप्लाई हुआ, 10 साल का तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, 5 साल का कूलिंग पीरियड है, इतना तो पता होगा हर किसी को. उस कूलिंग पीरियड में तुम चाहते हो 144 वाली, मतलब अकाउंटिंग बाकी सर्विस कर लो प्रोवाइड, कोई दिक्कत नहीं है. 5 साल के बाद में अगर ऑडिटर बनना चाहो तो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि देर इज अ थ्रेट कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट. हो सकता है 5 साल में तुमने कंपनी को ईआरपी इंप्लीमेंट करने में हेल्प किया, तुमने कंपनी को कंट्रोल्स लगाने में हेल्प किया, अब तुम खुद ही वापस ऑडिट करने के लिए आ रहे हो, मतलब तुमने खुद कंट्रोल्स को लगाया है, तुम कंट्रोल को चेक भी खुद करोगे, तुमने खुद ईआरपी लगाया है, ईआरपी को चेक भी तुम करोगे, इट इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. और मतलब सुनिए, नॉन ऑडिट सर्विसेज, वर्ड इज नॉन ऑडिट, मतलब ऑल प्रोहिबिटेड सर्विसेज आ सकता है उसमें. द वर्ड इज नॉन ऑडिट सर्विसेज. अगर मैंने क्लाइंट को नॉन ऑडिट सर्विसेज दी है और अगर अगले साल मैं ही ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, तो एक तरीके से ऐसा हो गया भाई, तुमने एसआरएस मतलब अकाउंटिंग रिलेटेड हेल्प किया, अब आप ऑडिट करने के लिए खुद जा रहे हो, तो कहना इसे तुमने ही अकाउंटिंग किया, तुम ही ऑडिटिंग करने जा रहे हो, ये तो एक डिजास्टर है ना भाई. तुमने ईआरपी लगाया, तुम ही ईआरपी चेक करने जा रहे हो, डिजास्टर है कि नहीं है? कहना इसे तुम अपने खुद के काम को रिव्यू करने जा रहे हो, तो ये रिव्यू ही नहीं है ना भाई. विल इट इंपैक्ट योर इंडिपेंडेंस? एब्सोल्युटली. समझ में आया क्या? मतलब सर क्या मैं प्रोहिबिटेड सर्विसेज परफॉर्म कर सकता हूं? हाँ, बट मान के चल तू आगे ऑडिटर नहीं बनने वाला है. अगर आगे वापस ऑडिटर बनने वाला है तो तूने नहीं करना चाहिए, तो तूने ये नहीं करना चाहिए, वरना जब 5 साल के बाद ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा तो डाउट क्या आएगा कि सर तूने ही मैनेजमेंट के लिए काम किया है, अब तू ही ऑडिटर बन के आ रहा है. इट इज एज गुड एज तूने एग्जीक्यूशन किया, अब तू ही ऑडिट करेगा. समझा क्या? थोड़ा अक्ल आया क्या? पक्का? डू यू अंडरस्टैंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट? अच्छा, इसमें एक नया प्रॉब्लम है मजेदार. अब ये आईसीआई क्वेश्चन पूछ लेगा मेरे को लगता है, लॉजिकल तो नहीं है बट ठीक है. तुम एक कंपनी में डायरेक्टर थे, तुम्हें कंपनी में डायरेक्टर थे, तुमने कंपनी छोड़ दिया सर, साल एंडिंग हुआ 31 मार्च, 15 अप्रैल को तुमने एज डायरेक्टर रिजाइन किया, एंड इनके हिसाब से नाउ यू ज्वाइन द बिग फोर. ऐसा उल्टा होता है, फ्रॉम अ ऑडिट फर्म यू गो टू अ क्लाइंट, इट्स कॉमन. फ्रॉम अ क्लाइंट दे बिलीव यू आर ज्वाइनिंग द ऑडिट फर्म. सो लेट्स से यू वर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू वर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यू रिजाइन एज अ डायरेक्टर, यू ज्वाइन द ऑडिट फर्म, यू ज्वाइन द ऑडिट फर्म, एंड नाउ यू आर द ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी. नहीं चलेगा.
ऑब्वियसली नहीं चलेगा यार। सर ऐसा हो भी सकता है क्या? देखो थियोरेटिकली क्यों नहीं हो सकता है? एक सेकंड, डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता क्या? डायरेक्टर होने के बाद छोड़ने का सीओ भी अप्लाई नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ना, डायरेक्टर के एक्सपीरियंस की वजह से उसको ऐसा पार्टनर नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं यार, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं हो सकता, यू कैन नॉट से दैट। बट जनरली अगर ऐसा होगा तो कम से कम उस पार्टनर को उसके खुद के कंपनी को ऑडिट करने के लिए तो नहीं बोलेंगे। अरे इतना तो कम से कम बराबर है ना। मेरे हिसाब से उसको लिया तो भाई एनओसी कंपनी से भी लेना पड़ेगा, और कंपनी से बोल भी सकता है अब तुम एक काम करो एज अ फर्म, तुम हमारा ऑडिट मत करो, हमको कोई और ऑडिटर ढूंढने दो, क्योंकि इट विल सीम लाइक अ क्लियर रिलेशनशिप। यस और नो? आइए लेट्स रीड सेल्फ रिव्यू थ्रेड। देखिए पहला चीज, इट विल ऑकर व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन इन प्रीवियस ऑडिट, और कैन यू सी अ वर्ड, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, और व्हेन अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम वॉज प्रीवियसली डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। मतलब अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा है, क्लाइंट का कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा, अब वो मेरे ऑडिट टीम का पार्ट है, अब वो मेरे ऑडिट टीम का पार्ट है, या हमारे ऑडिट टीम के ही लोगों ने पहले आपको कोई अकाउंटिंग वगैरह का सर्विस करके दिया होगा, नॉन ऑडिट सर्विस, हम ही उसको क्या करने जा रहे हैं, ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो हम खुद का काम रिव्यू करने वाले हैं क्या? सिंपल फंडा है, किसी भी सर्कमस्टेंसेज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिट करने वाले इंसान ने अकाउंटिंग ही खुद किया था, या अकाउंटिंग के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल था, ऐसा हुआ तो ये तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। नोटबुक में जाइए, अंडर सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइट डाउन पॉइंट नंबर ए। दीज थ्रेट्स मे ऑकर व्हेन ऑडिटर इज रिव्यूइंग एनी जजमेंट auditor is reviewing any judgment or conclusion which was drawn by auditor himself in the previous audit। मतलब आपने खुद लास्ट ईयर कंपनी को बोला इस पेंडिंग लिटिगेशन में इतना प्रोविजन बना लो, अब मैं खुद उसको रिव्यू करने के लिए जाएगा, तो ये सेल्फ रिव्यू हो जाएगा क्या? कोई भी कंक्लूजन, कोई भी जजमेंट जो मैंने खुद ड्रॉ किया था, अगर अब मैं खुद चेक करने के लिए उसे जा रहा हूं, तो कैन आई से इट विल बी एज गुड एज आई एम रिव्यूइंग माई ओन वर्क? यू रिव्यूइंग योर ओन वर्क, दैट मीन्स नो रिव्यू। नंबर टू, इसके और अलग अलग एग्जांपल मैं टुकड़ों में डिवाइड करके लिखवा रहा हूं, इन्होंने एक पैराग्राफ में लिखे हैं। नंबर टू, समटाइम्स अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम कैन बी प्रीवियसली अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉई of the client। क्या इधर भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट है? हां, उनका ही डायरेक्टर तुम्हारे ऑडिट टीम का पार्ट है, तुम्हारे फर्म का पार्ट हो चलता है। अरे बजाज फाइनेंस का डायरेक्टर बिकम्स द पार्टनर विद ईवा इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ही शुड नॉट बी द टीम मेंबर हु इज डूइंग द ऑडिट ऑफ बजाज फाइनेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अरे लॉजिकल है ना यार, तुमको समझ रहे हो क्या? पॉइंट नंबर सी, इफ ऑडिट फर्म हैज परफॉर्म्ड सर्टेन नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स फॉर एग्जाम्पल internal audit, comma investment advisory or
एनी अदर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। देन ही शुड नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेम कंपनी। ही शुड नॉट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेम कंपनी सिंस इट विल बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। Since it will be a self-review threat, examples को पढ़िए. Point number C में लिख के दिया है. Read these two examples. You'll understand in 1 minute. आपको पक्का समझ में आ रहा है ना? ये threats important है. समझने चाहिए. Read these examples, guys. 11.6. Read this example. अगर ऑडिटर रिसेंटली डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रहा है उस कंपनी का जिसका वो ऑडिट कर रहा है तो प्रॉब्लम है, और वो किसी और का ऑडिटर बने इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर उस कंपनी का ऑडिट तो नहीं करना चाहिए ना जिसका वो डायरेक्टर था भाई। या सर, हमने कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की है जिनको हम खुद ही अभी ऑडिट करने जा रहे हैं। मैं खुद आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था, अब आपकी इन्वेस्टमेंट को मैं ही ऑडिट करने आ रहे हैं। पहले कंट्रोल लगाने में मैंने आपको हेल्प किया, अब उनको चेक करने के लिए भी मैं ही आ रहा है। जो सब्जेक्ट मैटर मैंने बनाया उसको मैं ऑडिट कैसे कर सकता है यार? हाँ या ना? कैन आई से इट बी रिव्यूइंग माय ओन वर्क? थ्रेट इज कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इज दैट क्लियर टू यू? यू हैव 2 मिनट्स। रीड नंबर 1 एंड 2। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, दोनों खत्म हुआ है विद एग्जाम्पल्स। पढ़ के देखिए। तीन और बचे हैं, तीनों को मस्त उड़ाते हैं। चलो हाँ, होमवर्क दे देंगे तुमको लिखने के लिए। क्या है, क्या है, व्हाट्स द बिग डील मैन? चलो लेट्स गो टू एडवोकेसी। मतलब यू आर एक्टिंग, बहुत मजेदार है सुनना, यू आर एक्टिंग एज अ एडवोकेट ऑफ द कंपनी। मतलब इट कैन बी लिटरली एडवोकेट एंड इट कैन बी इनडायरेक्टली एडवोकेट। इनडायरेक्टली मतलब तुम दुनिया भर में सबको ज्ञान दे रहे हो, यही इंडस्ट्री में यही कंपनी है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड यू आर दी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। वेरी नाइस, लोग सुन भी लेंगे क्योंकि आप साइनिंग अथॉरिटी हो। बराबर है क्या नहीं है? कैन आई से यू आर इंडायरेक्टली एक्टिंग एज एडवोकेट ऑफ अ कंपनी? यू आर टेलिंग पीपल व्हाई शुड यू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। इट इज क्लियर, कोई भी अगर आपकी हरकतों को देखेगा तो समझ में आ जाएगा ये इंसान 100% बायस्ड है। हाँ या ना? दूसरा चीज, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ लॉयर भी हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ लॉयर भी हो। अब क्लाइंट के अगेंस्ट में कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, तुमने क्लाइंट को बोला ऑडिट तो मैं कर ही रहा हूं, टेंशन मत, ये भी मैं देख लेता हूं, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। कैन आई से यू आर इधर एक्टिंग लिटरली एज अ एडवोकेट फॉर द कंपनी, और इनडायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट कंपनी टू सच अ लेवल दैट एनी रैशनल पर्सन विल थिंक दैट यू आर बायस्ड हियर। दैट थ्रेट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी थ्रेट। मतलब यू आर एडवोकेटिंग द कंपनीज गोल्स। देखिए, एडवोकेसी थ्रेट विल ऑकर वेन ऑडिटर प्रमोट्स या इज परसीव्ड टू प्रमोट, या तो डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है या वो इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहा होगा अ क्लाइंट का ओपिनियन टू सच अ पॉइंट कि लोगों को ये कन्फर्म बिलीव हो जाएगा कि भाई इसका ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गया है, मतलब ये फेयर नहीं है, ये कन्फर्म बायस्ड है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो एक कंपनी के बारे में, मतलब तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। एग्जांपल पढ़ो, व्हेन अ ऑडिटर डील्स विद शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ अ ऑडिटेड कंपनी और बिकम्स द क्लाइंट्स एडवोकेट इन केस ऑफ अ लिटिगेशन और अ थर्ड पार्टी डिस्प्यूट। मतलब आप कंफर्म कंपनी के क्या बन चुके हो? एडवोकेट बन चुके हो। मतलब हमें डाउट आएगा आप क्या नहीं हो सर? इंडिपेंडेंट नहीं हो, ऑडिटर हो सकते हो पर इंडिपेंडेंट तो नहीं हो। इज दैट क्लियर टू यू? सिर्फ ए एंड बी लिखने का है, काम खत्म हो जाएगा। राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, एडवोकेसी थ्रेट। नोटबुक्स पॉइंट नंबर 3, एडवोकेसी थ्रेट।
लीव सिक्स लाइन्स, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क. एडवोकेसी थ्रेट, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क, छह लाइन छोड़ दीजिए. अरे टाइम पास है यार एकदम. आगे बढ़े क्या? नंबर फोर, ये बहुत मजेदार है. सबसे कॉमन प्रॉब्लम अगर मेरे हिसाब से जो लोग इग्नोर करते हैं वो इधर होती है. क्या है? लुक एट द वर्ड फेमिलैरिटी थ्रेट. मतलब सर फैमिली जैसा रिलेशन हो गया अभी तो. मतलब इन सिंपल टर्म्स, व्हेन समवन लुक्स एट द सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल, इट क्लियरली सीम्स दैट दिस पर्सन इज बायस्ड और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कंपनी. देखिए, दे आर सेल्फ एविडेंट एंड क्लियरली विजिबल फ्रॉम द ऑडिटर्स रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. या तो आप बहुत सिंपैथेटिक हो चुके हो टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट. एग्जाम्पल, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट वर्किंग मेंबर इज इन अ सीनियर पोजिशन. मतलब आपके टीम मेंबर में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसका रिलेटिव कोई ना कोई डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल होगा उस कंपनी के अंदर. लॉ खुद मना करता है ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ योर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी देन यू नॉट अलाउड टू डू ऑडिट ऑफ दैट कंपनी. 141 सबसेक्शन 3. हाँ या ना? नंबर टू, फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म. अब उल्टा हो रहा है कि मतलब एक इंसान था जिसने लास्ट 20 साल से कंपनी का ऑडिट किया, उसे कंपनी इतना पसंद आया इसने ऑडिट करने छोड़ दिया. इसने बोला अब मेरे को ऑडिट करने का नहीं है, मैंने इतने कंपनीज के बड़ी ऑडिट किए. इट्स एक्चुअली वेरी कॉमन. सुनिएगा, यू आर पार्ट ऑफ अ प्रेस्टीजियस ऑडिट फर्म फॉर लॉट ऑफ ईयर्स, इट कैन बी अ गुड मिड साइज फर्म. आपने 15-20 साल तक बहुत सारे स्टैट्यूटरी ऑडिट्स किए. Now you have great relationship with lot of industry ke, you can say top management people. You believe I don't want to continue with COB. Aap COB chhod dete ho. Theek hai. But still abhi bhi partner ho us firm mein. Matlab you don't have to sign. You can still be a partner. LLP hota hai yaar. COP nahi hai, COB chhod diya. Sign nahi karega. Partner abhi bhi hai kyunki maine business banaya tha. Business ko chhod ke jayega. Naye partner log business run karenge. And I become director with lot of my companies. जिनका मैं ऑडिट कर रहा था. अगर उन कंपनीज का ऑडिट अभी भी मेरा ही फर्म करता है तो प्रॉब्लम है. अरे आई एम ईवाई पुणे का फाउंडिंग मेंबर. एक एग्जांपल, अज्यूम अ सिचुएशन, मैंने ये बनाया, मैंने सीओपी छोड़ दिया. आई बिकम डायरेक्टर इन पुणे वाला फिनकॉर्प. आई बिकम डायरेक्टर इन अदर 3-4 एंटिटीज. उनका ऑडिट अभी भी कौन कर रहा है? मेरा फर्म ही कर रहा है. मैं साइनिंग पार्टनर नहीं है बट इनडायरेक्टली मेरा फर्म कर रहा है. मतलब देयर विल बी फेमिलैरिटी थ्रेट यार. इट इज लाइक खुद के बिजनेस से ऑडिट तुम खुद ही करा रहे हो अपने हिसाब से. उधर तुम डायरेक्टर हो, मतलब उधर तुम शेयर होल्डर बनने वाले हो. इधर तुम्हारे पास ऑलरेडी पार्टनरशिप रहेगा. इट इज एज गुड एज योर ओन एंटिटी इज डूइंग ऑडिट ऑफ योर ओन अदर एंटिटी. समझा क्या? नंबर थ्री, इतना लंबा एसोसिएशन है सर बिटवीन द ऑडिटर एंड क्लाइंट कि हमें लगता है अब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचा है. आपको वहां का चाय बहुत पसंद आने लग गया है, इसीलिए लाया गया 139 सबसेक्शन 2, रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर. उन्हें समझ में आया कि भाई क्या समझ में आया कि भाई इतने साल चाय एक जगह पीने से आपके इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट आ सकता है. इसलिए उन्होंने क्या लेके आया? रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर. पॉइंट नंबर फोर मजेदार है सर. देयर इज लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ, बट इट इज नॉर्मली वन साइडेड, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम अ क्लाइंट और अ डायरेक्टर towards the audit partner or a member. देखो सर, सिंपल चीज है, वहां पे हमको अच्छा खाना मिल रहा है, खाना खा सकते हैं क्या? चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. उनके इन्वेंटरी का काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं क्या? हाँ. अब सर चलो, लेट्स से लॉरियल वगैरह का ऑडिट कर रहे हो, एक का शैम्पू का पैकेट दे दिया यूज करने के लिए, चलेगा सर, वो भी कोई दिक्कत नहीं है. बट सर आपने बॉक्सेस के बॉक्सेस नहीं लेके जाने चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए दैट द गिफ्ट शेयरिंग इज रीच द लेवल वेयर वी बिलीव यू आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज. आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब नॉट द इंटीग्रिटी, यू आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज. मेरे को ऐसा लग रहा है अगर वैसा हो गया तो हम बोलेंगे कौन सा थ्रेट आ गया है? फेमिलैरिटी थ्रेट आ गया है. सर कैन आई से ये विजिबल होगा प्योरली रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट. उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? चलो, आई हैव अ डाउट. ये मेरे से एक्चुअली में किसी ने पूछा था, इसलिए चलो तुमको बता देता हूं. मैं पुणे बेस केस में हुआ भी था. अज्यूम करो, सिचुएशन समझो कि आप एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट लास्ट
8 साल से कर रहे हो, आप जब क्वालिफाई हुए थे तब आपने वो फर्म को ज्वाइन किया था, यू आर विद द सेम फर्म, एंड लेट से एक लिस्टेड क्लाइंट पे आप प्लॉटेड हो, रोटेशन खत्म होने वाला है 10 साल पर 8 साल हुआ है, मतलब अभी भी 2 साल कंटिन्यू करने के लिए है, इट रीच द लेवल कि आपको शादी करने की उम्र हो गई है एंड यू एंड अप लाइकिंग समवन फ्रॉम द क्लाइंट प्लेस बिकॉज यू आर ऑन द क्लाइंट प्लेस ड्यूरिंग द एंटायर ईयर फॉर, अरे क्वेश्चन तो समझो, क्वेश्चन तो समझ, अरे क्वेश्चन तो समझो बाबा, अर्श मैं नहीं बताएगा, चलो एक काम करो, प्रॉब्लम तो सुनो सर, लेट्स से देयर इज अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन अ ऑडिट टीम मेंबर एंड द क्लाइंट का फाइनेंस टीम मेंबर, एंड अभी तक 10 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उनकी रिलेशनशिप को, नहीं ऑडिट रिलेशनशिप को, समझ रहे हो मेरा बात, तो इफ दे प्लान टू गेट एंगेज और दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, शुड दे गेट इट डन बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, एंड अरे तुमको समझ में आया क्या, एंड वो आज तो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं है, वो आज तो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं है, अरे इंडिया के लॉ में फ्रेंड कवर नहीं होता है, मतलब आप फ्रेंड बोलो जो बोलना है बोलो, वट एवर इट इज, कैन आई से रिलेटिव का वर्ड स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि नहीं है, तो अभी तो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो अभी तो आप इंडिपेंडेंट हो इन अपियरेंस, यू आर इंडिपेंडेंट बट मेंटल स्टेट के बारे में नहीं बोल सकते हैं, इन अपियरेंस यू आर इंडिपेंडेंट, तो सर क्या आपने ये सिचुएशन डिस्क्लोज करके अपने आप को ऑडिट टीम से डिसोसिएट कर लेना चाहिए, या हमने क्लाइंट छोड़ देना चाहिए, या हमने कोई और ढूंढ लेना चाहिए शादी करने के लिए, मतलब देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, अब आपके ऊपर है, आप बोलो क्या करना चाहिए, डिड यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दिस एक्चुअली हैपेंड इन अ केस, आई विल नॉट गिव यू डिटेल्स, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए बताओ, मैं तो इतने साल काम ही नहीं किया ऑडिट फर्म में यार, आई नेवर वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स इन ऑडिट फर्म, आई स्टार्टेड टीचिंग लॉट ऑफ ईयर्स बैक यार, इट डिड नॉट, इट्स नॉट, अरे मेरा बारे में तो मैं डायरेक्टली बोलेगा ना, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी लगाएगा उसके अंदर, तुम बताओ करना क्या चाहिए, डिड यू अंडरस्टैंड द डाउट, ऑनलाइन शादी करो, कैसे भी शादी करो, शादी शादी होती है, तो मेरे को बता, बताओ क्या कर, सुनो रैशनली अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर आप शादी करने वाले हैं वो कंफर्म है, तो आपने आइडियली वो ऑडिट टीम से अपने आप को डिसोसिएट कर लेना चाहिए, अनलेस यू आर द पार्टनर, अनलेस यू आर द पार्टनर, इफ यू आर द पार्टनर देन यू हैव टू बिकम समवन एल्सेस पार्टनर एंड लीव दिस एंगेजमेंट, आपने वो एंगेजमेंट से विड्रॉ कर देना चाहिए, ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, दिस इज योर पॉइंट नंबर 4, फेमिलैरिटी थ्रेट, आपने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नीचे एक लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर C, रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, दिस इज योर 139 सबसेक्शन 2, मतलब रोटेशन फेमिलैरिटी थ्रेट की वजह से ही आया है, इज दैट क्लियर टू यू, नोटबुक में जाइए राइट डाउन पॉइंट नंबर 4, अरे होमवर्क के लिए हेडिंग तो लिखोगे ना, दिस ऑल्सो होमवर्क, यू टू राइट जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स यार, पॉइंट नंबर 4 फेमिलैरिटी थ्रेट, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क, मीनिंग लिखिएगा, 2-3 एग्जाम्पल लिखिएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट, फेमिलैरिटी थ्रेट मीनिंग एंड फ्यू एग्जाम्पल्स, चलो लेट्स टेक अ लंच ब्रेक नाउ, 2:15 we start again. We'll discuss one more thread and the remaining part of independence. Thank you, online students. We'll get started once again at 2:15 p.m. Thank you.